लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार सरकार ने अपना तुरुप का ही कद चल दिया है। पहले राज्य में जातीय जनगणना कराकर सबको चौंका दिया और बीजेपी की हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। इस दौरान जब विधानसभा में जातीय जनगणना की रिपोर्ट रखी जा रही थी तो सीएम नीतीश ने राज्य में जातीय आरक्षण की लिमिट 50% से बढ़ाकर 65% करने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा 10% आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को मिलेगा। बिहार में अब आरक्षण लिमिट 75% होने जा रही है। नीतीश सरकार ने 9 नवम्बर को विधानसभा में आरक्षण बढ़ाए जाने का बिल लेकर आएगी। रिजर्वेशन का लाभ सरकारी नौकरी शिक्षा में मिलेगी, लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या नीतीश सरकार ऐसा कर पाएगी, क्या संविधान इसकी इजाजत देता है, किन किन राज्यों में 50% से ज़्यादा आरक्षण मिलता है, जिन राज्यों ने ऐसा करने की कोशिश की है उनका क्या हुआ। तो आइए जानते हैं इन्हीं सभी सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। तो सबसे पहले जानते हैं देश में कितनी फीसदी अधिकतम आरक्षण देने के नियम है, क्या संविधान इसकी इजाजत देता है। दरअसल साल 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में फैसला सुनाते हुए जातिगत आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले के बाद कानून ही बनाया गया कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। हालांकि साल 2019 में केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन कर विधेयक पारित कर दिया। इससे आरक्षण की अधिकतम सीमा अब 60% हो गई। उसके बाद कई राज्यों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला किया और मामला तुरंत कोर्ट में पहुंचा। महाराष्ट्र सरकार ने साल 2021 में मराठाओं को आरक्षण देने का ऐलान किया था जो कि 50% से ज्यादा था। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था और अब महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर प्रदर्शन चल रहे हैं। देश में कितने आरक्षण का प्रावधान है और कैसे। देश में इस समय 49.5% आरक्षण है। इसमें ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी को 7.5% आरक्षण मिलता है। इसके अलावा आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण मिलता है, जो कि मोदी सरकार ने विशेष रूप से संसद में प्रस्ताव लाकर इस हिसाब से आरक्षण की सीमा 50% से पार कर चुकी है और अब 60% पहुंच चुकी है। हालांकि पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से पिछले सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये कोटा संविधान के मूल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाता है। किन किन राज्यों में 50% से ज्यादा आरक्षण है। तमिलनाडु में तो काफी पहले से 69% का आरक्षण लागू है। वहां पर रिजर्वेशन संबंधित कानून की धारा 4 के तहत 30% आरक्षण पिछड़े वर्ग को, 20% अति पिछड़ा वर्ग, 18% एससी और 1% एसटी के लिए रिजर्व किया गया है। तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट 69% रिजर्वेशन की बात करता है, जिसके खिलाफ कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। झारखंड में काफी लंबे समय से ओबीसी समुदाय को 14% आरक्षण को बढ़ाकर 27% करने की मांग कर रहा है। झारखंड के विधेयक के मुताबिक एसटी आरक्षण 26% से बढ़ाकर 28%, ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27%, एससी आरक्षण 10% से बढ़ाकर 12% और ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% रखा गया है। अब राज्य में कुल आरक्षण 77% हो गया है। कर्नाटक में आरक्षण की सीमा 56% हो गई है। कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 15% से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बढ़ाकर 3% से 7% कर दिया है। कर्नाटक सरकार ने मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण खत्म कर दिया है। उन्हें अब 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस श्रेणी में ले जाया जाएगा। मुसलमानों का 4% कोटा अब वो कालिंगा 2% और लिंगायत 2% को दे दिया जाएगा, जिनके लिए पिछले साल बेलगांव विधानसभा सत्र दौरान 2C और 2D की 2 आरक्षण श्रेणियां बनाई गई थी। किन किन राज्यों में रद्द हो चुका है आरक्षण का प्रस्ताव। आंध्र प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 में आंध्र प्रदेश सरकार के आरक्षण को लेकर एक फैसले को रद्द कर दिया था। जनवरी 2000 में आंध्र प्रदेश सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों के स्कूलों के शिक्षकों के पद के लिए अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 100% आरक्षण देने का फैसला लिया था। इसके लिए तत्कालीन गवर्नर ने आदेश दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को असंवैधानिक ठहराया और शीर्ष अदालत ने कहा कि संविधान के साथ 100% आरक्षण की अनुमति नहीं है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग काफी लंबे समय से हो रही है। राज्य सरकार ने 2018 में मराठा समुदाय को 16% आरक्षण देने का फैसला किया था। सरकार के इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने जून 2019 में आरक्षण के दायरे को 16% से घटाकर शिक्षा में 12% और नौकरी में 13% आरक्षण देना तय कर दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच ने इंदिरा साहनी केस का मॉडल या मंडल कमीशन केस का हवाला देते हुए मराठा आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया था। छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने राज्य में कुल आरक्षण 76% देने का फैसला किया था। भूपेश सरकार ने दो विधेयक पारित भी किए थे। इन विधेयकों के मुताबिक राज्य में ST को 32%, OBC को 27%, SC को 13% और EWS को 4% आरक्षण दिया जाएगा। इन विधेयकों को लाने की सबसे बड़ी वजह हाईकोर्ट की 2021 का फैसला था, जिसमें पिछली रमन सिंह सरकार ने आदेश निरस्त कर दिया था, जिसमें ST का आरक्षण 20 से बढ़ाकर 32% किया गया था। हालांकि दोनों विधेयकों अब राजभवन में अटके हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ शिक्षण संस्थानों में 58% आरक्षण व्यवस्था लागू करने की सहमति कैबिनेट ने दे दी है। इसी आरक्षण के आधार पर प्रदेश में सरकारी भर्ती, प्रमोशन और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का रास्ता आसान हो गया है। साल 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार ने आरक्षण की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 82% कर दिया था। हालांकि अक्टूबर 2019 में हाईकोर्ट ने आरक्षण के इस फैसले पर रोक लगा दी थी। इनके अलावा इस लिस्ट में मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य भी शामिल हैं, जिन्होंने 50% से ज़्यादा आरक्षण देने की कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट ने उन पर रोक लगा दिया। कुछ राज्यों में कैसे मिल रहा है 50% से ज़्यादा आरक्षण? संविधान की अनुसूची में केंद्रीय राज्य कानूनों की एक सूची है, जिसमें न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसे 9वीं अनुसूची कहा जाता है। 9वीं सूची को 1951 के पहले संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। संविधान के अनुच्छेद 31A और 31B में इसमें शामिल कानूनी न्यायिक समीक्षा संरक्षण हासिल है। आसान शब्दों में कहें तो संविधान की 9वीं सूची में शामिल कानून न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर होते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट उसकी समीक्षा नहीं कर सकते। इसीलिए अक्सर आरक्षण से जुड़े कानूनों की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग होती रहती है, और जिन राज्यों में 9वीं आरक्षण सूची में डाला गया है वह 50% से ज्यादा आरक्षण मिल भी रहा है। अब नीतीश के फैसले को कैसे दी जा सकती है चुनौती? बता दें कि EWS रिजर्वेशन के पहले से कुछ राज्यों में अधिकतम आरक्षण 50% से ज़्यादा है। इनमें से ज़्यादातर राज्यों को कोर्ट में चुनौती मिली है। आने वाले समय में बिहार सरकार के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। यदि इसे राज्य सरकार 9वीं सूची में डाल देती है तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये थी बिहार आरक्षण से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।